वह कहते हैं ना, खेल ऐसा दिखाओ कि देखने का नहीं बल्कि खेलने का मन करे। तो एक तरफ एलन काफी सटीक बैठते हैं स्थान का राजवाड़ों की टीम के लिए, तो वही दूसरी तरफ जहां पे चतुर चला गुजरते हो कि टीम्स के लिए, जिन्होंने अपने खेल के परफॉर्मेंस से सभी टीमों को बता दिया कि खेला कैसे जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के 2-3 टीम्स के बारे में, जिन्होंने अपने शुरुआत के पहले ही सीजन में आईपीएल ट्रॉफी का स्वाद चखा था, जहां पे दोस्तों 2008 की आईपीएल विनिंग टीम राजस्थान है और 2022 की विजेता रही गुजरात टाइटंस। एक बार फिर से इस सीजन में दोनों भिड़ने के लिए तैयार है, दोनों के बीच में काफी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो आगे बात करते हैं, कुछ टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहली टॉपिक की बात करें दोनों टीमों के इतिहास के बारे में रहेगा, वहीं दूसरी टॉपिक कैसा रहेगा इन दोनों टीमों के पास परफॉर्मेंस के बारे में, तीसरा टॉपिक बात करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स से, चौथा टॉपिक बात करेंगे जानेंगे दोनों टीमों के कमजोरियां और खूबियों के बारे में, पांचवा टॉपिक पे बात करेंगे बताएंगे अपनी राय वो टीमों के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, तो आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते बिना देरी के। टॉपिक की बात करें तो दोनों टीमों का इतिहास रहेगा। तो दोस्तों बात करें दोनों टीमों के कप्तान के बारे में, दोनों टीम की कप्तानी का बागडोर युवा खिलाड़ी के हाथ में देखने को मिलेगी। तो बात करें एक तरफ जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में, इस टीम के कप्तान युवा बल्लेबाज संजू सैमसन इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वही दूसरी टीम यानी गुजरात टाइटंस की टीम के इस टीम की कप्तानी करते हुए हमें पहली बार शुभम गिल गुजरात की टीम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया, दोनों टीम के अपने पहले ही सीजन में आईपीएल का खिताब भी जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स को इतिहास में वो ट्रॉफी जीतने में मददगार भी साबित करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा कैसा रहा इन दोनों का टीमों का पास परफॉर्मेंस। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान की टीम ने 2008 का जो आईपीएल का खिताब जीता था वो अपने नाम किया था। तो बात करें वहीं गुजरात की टीम, तो उन्होंने भी 2022 का सीजन अपने नाम किया था। हालांकि बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में तो बता दूं, यह टीम अपने पहले सीजन में जीतने के बाद दूसरे सीजन को जीतने के लिए तरस गई है। एक अच्छी टीम होने के बावजूद राजस्थान की टीम अपने नाम आईपीएल के दूसरी ट्रॉफी नहीं कर पाई। वहीं गुजरात की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 2022 का सीजन अपने नाम किया था, साथ ही साथ 2023 के सीजन फाइनलिस्ट भी रहे। तो कहीं ना कहीं गुजरात की टीम वो एक प्रोफेशनल टीम की तरह क्रिकेट खेलना जानती है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो करेगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बारे में जानेंगे डिटेल्स से। तो दोस्तों एक टीम को बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं टीम के एक हर एक खिलाड़ी का महत्वपूर्ण किरदार होता है। तो कुछ ऐसे इन दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन इन दोनों टीमों को काफ़ी खास बनाता है। तो आइए जानते हैं कुछ प्लेयर्स के बारे में। तो पहली टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम देखते हैं, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन है, रियान पराग है, सिमरन हेटमायर है, रोवेन पॉवेल है, रचिन रविंद्र अश्विन है, अवेश खान है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ट्रेंट बोल्ट है, युजवेंद्र चहल है। बात करते हैं नेक्स्ट टीम की जो कि गुजरात टाइटन्स के होंगे, इनके भी कुछ प्लेयर हैं जो जहाँ पे शुभम गिल है, रिद्धिमान शाह है, साई सुदर्शन है, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तिवेतिया है, जॉस लिटिल है, राशिद खान है, नूर अहमद है, मोहम्मद शमी है। यह थी दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 जो एक तरह का बैलेंस टीम देखने को मिली। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स रहेंगे। तो दोस्तों हर टीम में कोई ना कोई खूबियाँ खामियाँ होते हैं, एक टीम हार और एक टीम जीत हम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आज हम बात करें दोनों टीमों के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास कई युवा खिलाड़ी जो अपने प्रतिभा के साथ प्रसिद्ध है, टीम को जीत की दिशा में मदद कर सकते हैं। अनुभवी कप्तान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान जहां पर संजू सैमसन एक अनुभवी उच्च रेटिंग के खिलाड़ी है जो टीम को महत्वपूर्ण सलाह मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम वास्तविक टीम के रूप में मिलकर खेलने के लिए प्रसिद्ध है, जिससे वो अपने खेल को बेहतर बना सकते हैं, आपसी सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपनी राय वो टीमों के बारे में बताएंगे। तो बात करेंगे दोनों टीमों के बारे में, तो दोनों टीम वो काफ़ी एक ज़्यादा एक प्रोफेशनल टीम है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। जहाँ एक तरफ जॉस बटलर है तो वहीं दूसरे संजू सैमसन जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर यशस्वी जायसवाल है जो कि विस्फोटक युवा बल्लेबाज है, तो कहीं ना कहीं इस टीम के लिए काफ़ी भूमिका भी निभाते हैं। तो बात करें गुजरात की टीम पर, तो इनमें भी काफ़ी राशिद खान जैसे स्पिन गेंदबाज हैं, शुभम गिल जैसे ताबड़तोड़ युवा बल्लेबाज जैसे कमाल खिलाड़ी आपको अकेले ही मैच में जिताने का क्षमता रखते हैं। ये दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, दोनों टीमों का कंपैरिजन भी कर लिए। तो क्या इस बार दोनों टीमों में से कौन सी टीम आईपीएल का 2024 आईपीएल का खिताब कौन जीतती है, कौन टाइटल जीत कर जाती है, यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आप लोग जरूर देखेगा। वो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।